हेलो लर्नर, दिस इज रिचा सुरेखा। फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस यूट्यूब चैनल पर, दैट इज यूजीसी नेट जेआरएम बाय रिचा। फ्रेंड्स, हमने अपने डीआई के सेशन को, जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम एटलीस्ट अल्टरनेट डेज पे या हो पाएगा तो रेगुलर हम डीआई के सेशन को करेंगे, तो वैसे ही हम आज कंटिन्यू करते हैं अपने सेशन को। तो इसमें मैं आपसे डिस्कस करने वाली हूँ 2019 की डीआई, 2019 के पेपर में, पेपर वन में जो आपकी डेटा इंटरप्रिटेशन आया था उसको डिस्कस करूंगी। देखते हैं प्रॉपर सोल्यूशन किस तरीके से सॉल्व करना है। और हाँ, आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आपको कहीं पे कोई कंफ्यूजन ना आए, गलती से आप कोई मिस्टेक ना कर दे, तो उन चीजों को आप प्रॉपर देखते हुए चलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस सेशन को। तो यहाँ पर देखिए, आपके सामने डीआई का इंट्रोडक्शन है जिसमें क्या दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल गिव्स द सेल ऑफ कंप्यूटर। अच्छा, सेल ऑफ कंप्यूटर दिया है, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड, डिफरेंट टाइप ऑफ ब्रांड, जैसे कि यहाँ पर क्या है, लेनोवो हो गया, एसर हो गया, आईबीएम, एचसीएल, ये डिफरेंट ब्रांड हो गए। ठीक है, द ईयर 1 to 2007 तक के दिए हैं, दिस इज 1 to 2007 बेस्ड ऑन डेटा। अब इस डेटा पे हमें आंसर करना है, ठीक है, और ये जो भी डेटा है ये सभी थाउजेंड्स में है डेटा। तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है, द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ एसर कंप्यूटर सोल्ड इन 2002 एंड 2005। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एसर जो ये कंप्यूटर है, इसमें जो डिफरेंस है किसमें, 2002 में और 2005, 2002 और 2005 की सेल का डिफरेंस हमको बताना है। ठीक है, तो 2002 में कितना सेल हुआ था, 25। देखिए, ये सभी डेटा आपका 1000 में है, बट सिंपली सॉल्व करना है। यहाँ पे 25 है और 2005 में कितना है, 85, तो उसका डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो 85 माइनस करना है 25। ठीक है, वो कितना आएगा, यहाँ पे 0 और यहाँ पे 6, ठीक है, 60 आ गया। अब देखिए, 60 है, हमने माइनस किया, लेकिन ये डेटा किस में था, 60,000 में था, तो बस 3 0 आगे लगा दो, ऑप्शन ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो डी आंसर इज दी ऑप्शन, डी इज दी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन विच ईयर द परसेंटेज ऑफ एसर कंप्यूटर, ओके, ये रहा आपका एसर। इन विच ईयर द एसर कंप्यूटर सोल्ड एज टू टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर सोल्ड मैक्सिमम। अच्छा, यानी कि ये क्या कहना चाहता है कि हर साल जितने, एक साल में सभी कंपनी ने जितना भी कंप्यूटर बेचा उसका एसर कौन सी साल में मैक्सिमम है, वो कौन से ईयर में है। ठीक है, कौन, अब यहाँ पे देखिए 7 ईयर है, 1 से लेके 7 ईयर का डेटा दिया हुआ, बट आपके पास ऑप्शन कितने होते हैं, 4, तो हम 7 का नहीं निकालेंगे, पहली बात तो हमें 4 का देखना होगा। तो हम कौन कौन से ईयर का देखेंगे, 2003 का देखेंगे, 2004 का देखेंगे, 2005 का देखेंगे और 7 का देखेंगे। ठीक है, अब देखना कैसे, कैसे कैलकुलेट करना है, देखिए क्या कह रहा है कि जितने भी कंपनी थी उन सभी का डेटा आप ले लीजिए। तो सभी का डेटा कैसे निकलेगा, जैसे लेनोवो ने 50 बेचा, एसर ने 10 बेचा, आईबीएम ने 50 बेचा, एचसीएल ने 20 बेचा, तो इन सभी को जोड़ लीजिए। तो 2003 में कितना है, 50 लेनोवो का, 50 एसर का, 50 आईबीएम का, 50 एचसीएल का, तो इन चारों को ऐड करिए। ठीक है, इन चारों को ऐड करेंगे तो 205 आएगा। फिर उसी तरह देखिए, 2004 में कितना है, 60 लेनोवो ने बेचा, 70 एसर ने बेचा, 40 आईबीएम ने बेचा और 35 एचसीएल ने, इन चारों को ऐड करेंगे 205 आएगा। तो इसी तरीके से आप 2003, 2004, 2005 और 2006 बस इन चारों को ऐड कर लीजिए। ठीक है, मैंने देखिए यहाँ पर ऐड करके लिख दिया। अब क्या करना है, आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एसर के 50 हैं और एसर के 70 हैं, तो कौन सा वाला ज्यादा है, ऑब्वियसली 70 ज्यादा होगा, क्योंकि देखिए मैक्सिमम कितना आ रहा है, 205 और 205, तो यानी कि इसमें से हम जो ये कम वाला है, जो 2003 का जो डेटा है उसको हम हटा सकते हैं, तो 2003 का हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये बात आपको क्लियर हुई कि क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि मैक्सिमम दोनों का सेम आ रहा है, यानी कि जितना चारों कंपनी का सेम आ रहा है। ठीक है, और एसर किस में ज्यादा है, 2004 में पहले ज्यादा है और हमसे मैक्सिमम पूछा है, तो हमें, देखिए मैं आपको किस तरीके से बता रही हूँ कि कम से कम आपको कैलकुलेशन करना पड़े,
कैलकुलेशन कम होगा तो मिस्टेक कम होगी, टाइम बचेगा, ये बात ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे 70 आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर कितना है, 85 है, और यहाँ पर कितना है, 60 है। तो मुझे ये जानना है कि इस 205 का, यहाँ पर देखिए इस 205 का कितने परसेंटेज 70 है। अब देखिए एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देती हूँ, जब भी परसेंटेज पूछे तो कैसे निकालना है आपसे, जब भी ऑफ आता है, कहीं पे ऑफ लिखा हो आपके बोलने में, ऑफ आ रहा है या फिर का आ रहा है, तो दोनों का ही मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना, ठीक है। तो यानी कि 205 या फिर 205 का कितने परसेंटेज, कितने मतलब एक्स हो गया, कितने परसेंटेज जो है, परसेंटेज के लिए हम 100 लगाएंगे, कितने परसेंटेज जो है 70 है, ये आपको निकालना है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर देखिए 250 का कितने परसेंटेज 85 है। इसी तरह यहाँ पर 270 है ना, ये वाला 270 का कितने परसेंटेज 60 है, सॉरी कितने परसेंटेज 60 है, ठीक है। इन इनको आपको कैलकुलेट करना होगा, परसेंटेज को निकालना होगा, ठीक है। जब आप परसेंटेज सॉल्व करेंगे फिर जो भी वैल्यू आएगी उसमें जो मैक्सिमम आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा, वो वाला ईयर, क्योंकि ये तो हमने 2003 तो हमने कैलकुलेट नहीं किया, तो ये कौन सा डेटा है, ये 2004 का डेटा है, ठीक है। ये कौन से ईयर का डेटा है, ये 2005 का डेटा है, और ये वाला 2007 का डेटा है, तो जो आएगा उस ईयर का ही आपका आंसर होगा। तो देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 34.14 2004 में, 2005 में कैलकुलेट करते हैं तो आता है 34, और इसको कैलकुलेट करते हैं तो आता है 22, यहाँ पर ये आता है 22, ठीक है। तो आप ये देख समझ पा रहे हैं ना, 34.14 आएगा, आप कैलकुलेट और कर लीजिएगा, बट मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि कॉन्सेप्ट की क्वेश्चन को सॉल्व किस तरह से करना है, कम से कम समय में आपको सॉल्व करना है, कम से कम आपको कैलकुलेशन करनी है, जिससे कि आपका टाइम बचे, मिस्टेक कम हो, ठीक है। इन बातों का ध्यान रखा जाएगा। सो 2004 इज द आंसर, क्योंकि आपसे मैक्सिमम पूछा था और यही है मैक्सिमम। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं, नंबर नेम द टाइप ऑफ कंप्यूटर विच टोटल सेल इन ऑल 7 इयर्स मैक्सिमम। अब यहाँ पर क्या है कि जो अलग अलग ब्रांड है ना, जैसे IBM, Acer, Lenovo, HCL, ये जो चार ब्रांड है, इन चारों ब्रांड का ये कह रहा है कि मैक्सिमम सेल। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको ध्यान से ऐड करना है, लिनोवो के इन सभी को आपको ऐड कर लीजिए, लिनोवो ने जितनी टोटल सभी ईयर में सेल करी, ठीक है। जब इन इनको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 400 आता है, लिनोवो में आता है 400, ठीक है। एसर को ऐड कर लीजिए, इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 375। IBM इनको भी ऐड कर लीजिए, जब इसको ऐड करते हैं तो कितना आता है, 450 आता है। तो इन सभी को ऐड कर लीजिए। अब आपसे क्या पूछा है, मैक्सिमम, तो मैक्सिमम किसका है, 400, 375, 450 या 265, ये तो आप बता सकते हैं ना, कौन सा है, 450 किसका डेटा है, IBM का, तो IBM आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जल्दबाजी मत करिएगा कि जैसे यहाँ पर देखा कि अच्छा हमने देखा कि 450 है, IBM है, IBM थर्ड नंबर पे, तो आंसर टिक करने में थर्ड वाले पे टिक कराइए, नहीं ऑप्शन को चेक जरूर करिएगा, बहुत ध्यान से आंसर को मार्क कीजिएगा। सो द IBM इज द आंसर। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता, नेम द टाइप ऑफ ब्रांड कंप्यूटर हुज हैज डिक्रीज कंटिन्यूअसली ओवर द ईयर। अब देखिए इस क्वेश्चन को एकदम, जब भी कुछ ऐसा इंक्रीज डिक्रीज या कुछ ऐसा पूछे आपसे, कंटिन्यूअसली इंक्रीज पूछ रहा है, ठीक है, तो जब ऐसी कोई बात पूछे तो आप डेटा को बहुत ध्यान से देखिए। देखिए 2001 से लेके 4 तक का है, लेनोवो को देखते हैं, यहाँ पे क्या है 20, अच्छा फिर क्या है 30, 50, 60, 70, 80, 90, ये क्या हुआ, ये तो कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। आपसे पूछा क्या है, पूछ तो रहा है डिक्रीज, यानी ग्राफ ऐसा होना चाहिए, ये कैसा है, ये तो इंक्रीज इंक्रीज होता जा रहा है। एसर, एसर का क्या हाल है देखते हैं, 50, अच्छा 40 था फिर 25, यानी कि क्या हुआ, पहले
जो भी था उससे घट गया, 40 से 25 हो गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, कुछ ऐसा ग्राफ जा रहा है एसर का। ठीक है, आईबीएम का कैसा है ये एसर का ग्राफ है। ठीक है, ये किसका था, लेनोवो का था। आईबीएम का ग्राफ कैसे है, 50 से 60, अच्छा बढ़ गया 50 से, जैसे ये ग्राफ है तो 50 रहा होगा उससे 60 हो गया, यानी कि बढ़ गया, फिर 50 हो गया, फिर क्या हो गया, फिर 40 हो गया, फिर 70 हो गया, फिर 80 हो गया, फिर 100 हो गया। तो ये तो हो गया आईबीएम का। लेट्स देखते हैं एचसीएल का, एचसीएल का क्या ग्राफ बनता है। देखिए पहले 50 था, फिर क्या हो गया 70 हो गया, फिर 55, 35, 25, 20, 10। अच्छा यहाँ पर देखिए कि एक कंटिन्यूएशन में डिक्रीज सिर्फ आपको एचसीएल में दिख रहा है, क्योंकि यहाँ लेनोवो में कंटिन्यूस इंक्रीज है, एचसीएल में कंटिन्यूस डिक्रीज है। ठीक है, बाकी कोई देखे तो कोई इंक्रीज हो रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है। तो आंसर क्या होगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट तो एचसीएल है। एक बार हाँ बीच में बढ़ा है यहाँ पर 2002 में, बट फिर भी हम इसको यही मार्क करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो डेटा दिया है हमको सिर्फ उसी से आंसर निकालना है। तो एचसीएल आपका आंसर हो जाएगा। लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है, द परसेंटेज इंक्रीज इन सेल ऑफ लेनोवो कंप्यूटर इन 2007 कंपेयर टू सेल। ठीक है, अब सेल से यहाँ पे कंपेयर करना है, यानी कि कह रहा है कि 2001 में जो लेनोवो की सेल हुई थी, 2001 में लेनोवो की सेल कितनी हुई थी, 20 हुई थी। ठीक है, 2007 में लेनोवो की सेल कितनी हुई थी, 90 हुई थी। अब यहाँ पर कह रहा है कि कितना परसेंटेज, जो 2001 में जो सेल हुई थी कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ। तो सबसे पहले तो हम इसको माइनस कर लेके ये देख लेंगे कितना इंक्रीज हुआ, तो कितना आता है इसका डिफरेंस, 70। ठीक है, 70 इंक्रीज हुआ। अब ये जो 70 है वो 20 का कितने परसेंटेज है, तो 20 का एक्स परसेंटेज, सपोजेस कि एक्स परसेंटेज होगा विच इज इक्वल टू 70। बहुत आसान तरीका है इसे सॉल्व करने का। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे, 700 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 350। ठीक है, तो 350% इज दी आंसर, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में इतना ही, और आपको ये DII वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके जाइएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।